नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। YouTube चैनल किसान पाठशाला जलन में सभी किसान भाइयों का स्वागत। बीटी कॉटन के बारे में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे किसान, देश किसान किसान भाइयों, बीटी कॉटन में इस समय गुलाबी सुंडी का अटैक काफी बढ़ा हुआ है। फोर्थ जनरेशन इसकी चल रही है। कई फील्ड के अंदर अटैक बहुत ज्यादा भी है, कई जगह मीडियम है, कई जगह कम है। जो गेहूं का एरिया के अंदर है या गेहूं वाली फसल में जो बीटी कॉटन है वहां पर कम है, और जहां पर स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा है वहां पर भी सुंडी का अटैक कम है। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहे हैं, रूबरू हो रहे किसानों से। पीबी नॉट के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हो तार है, एल्यूमिनियम की तार, इसके साथ साथ में इसमें है जो जैसे फेरोमेन होता है उसी तरीके से ल्यूर से 100% ये ज्यादा काम करती है और जापानी तकनीक है। पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज फील्ड की मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं भी कितनी सुंडी का अटैक उसमें हुआ है या कम हुआ है या न के बराबर हुआ है। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सब तो पहला दा चैनल दे विच तुहाडा स्वागत बहुत बहुत। आप जी का ते किसान वीर लखों इस वीडियो नू देख रहे, उन्हां नू अपना नाम दसो। रशपाल सिंह धालीवाल। हाँ जी, हाँ जी। हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं, 4 KSP के अंदर ये फील्ड है। अपने मोबाइल नंबर दसो जी। 6 3 7 8 9 51 551 6 3 7 8 9 5 1 55 1। ये जेड़ी फील्ड आप देख रहे हैं रिछपाल जी, इन्हू दसो भी किन्ने दिन हो गए बीटी कॉटन लगे नू, ते केड़ी वैरायटी वैरायटी बारे दसो पहला। ये वरायटी है जी 700 राशि वाले की, 773 773 है जेड़ी वैरायटी है। ते फील्ड है जेड़ा लगभग 100 दिन की क्रॉप हो चुकी सो है। है जी, लगभग 27-28 मई का बीजांत हुई भी है। ते किसान वीर दस रहे जदों 35 दिन की क्रॉप सी, जदों फ्लोरिंग स्टेज चालू हुई सी उस टाइम ए पीबी नोट तकनीक लाई सी। बाहरली जेड़े बॉर्डर की आप गल करिए, ओदे उत्ते 1-1 मीटर दे नाले नू बंधा सी, एल्यूमीनियम तार है नाले नू बंधा। अंदर की जेड़ी दूरी है वह 5-5 मीटर रखी है, लाइन तो लाइन ते तार तो तार की दूरी। असी ये फील्ड के सर्वे किया 5-10 मिनट, ये फुल थोड़े जे आप देख रहे हैं, लगभग 40-50 फुल देखे। उन्होंने दो फुलों के आप सुंडी मिली है। थले जे आप टिंडिया की गल करिए, टिंडिया के अंदर सुंडी है जी बहुत घट मिली है। एवें नहीं कह सकते भी आपू सुंडी ये नज़र नहीं आ रही, सुंडी का अटैक है। लेकिन दूजे फील्ड के मुकाबले इस जोड़ा अटैक है वह घट है। ते किसान नाल गल करते हैं, किवें रिछपाल जी, किवें लगता है नरमा तुहानू? टिंडे तो बहुत वधिया बने, बोल बहुत वधिया है, हाइट भी ठीक है। 773 वरायटी दसी सी। हाँ जी, 700 राशि, 773। बहुत प्रगतिशील काश्तकार है, लगभग 280 बीघा के बीच कॉटन की क्रॉप ला रखी है। ते पीबी नोट बारे दसो, किन्ने बीघे तुसी ला रखी है? पीवी नोट 100 किला तो इतने ला रहे, 4 KSP। हाँ जी, हाँ जी। 40 किला 3 KSP, 140 किले 140 किलों से इन्होंने पीबी नोट तकनीक ला रखी है। किसान वीरों, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो समस्या आ जाती है अपनी फसल के बीच, आपू सारे एफर्ट्स है जोड़े अपनाने पेंदे है। कोई भी आप कितने भी अपना, अगर सैनिक की गल करिए, अगर वो युद्ध भूमि से जा रहे हैं तो उन्होंने सारे तरीके होने चाहिए युद्ध करने के। तो आप ये बीटी कॉटन के बारे गल कर रहे हैं, किसान है जरा प्रयास करता है भी मेरी फसल चंकी तो चंकी हो। तो रिछपाल जी आ दसो तुम भी कि अटैक लग रहा है ये? दूजे नरमे तो मुकाबले ना बहुत घट है जी, घट लग रहा, घट लग रहा जी। ये नरमा यह लगता है जिम्मे भी 8 क्विंटल यह हो जाएगा, तो जेडे चाह पीवी नोट नहीं बनी वो लगभग 4 क्विंटल ही रह जाएंगे। पीबी नोट बारे सब तो पहला प्रश्न तुहानू मैं ये पूछदा भी एदे विच तुसी कोई गुलाबी सुंडी दी स्प्रे कीती है? एदे च तेले तेले वाली करी है, तेले वाली कीती, गुलाबी सुंडी बारे कोई नहीं कीती? ना, गुलाबी सुंडी बारे। ते किसानां नू की संदेश देना चाहोगे? तकनीक तुहानू प्रथम दृष्टि किवें लग रही है, वधिया या किवें? कहना तो वधिया लग रही है, बाकी नरमा खिड़ूगा सितंबर अक्टूबर, रिजल्ट निकलूगा रिजल्ट तो उदों दस्सांगे, बाकी कुल मिला के दूजे नालों ठीक है, ठीक है कह सकदे आ। ते खर्चा बारे कह सकदे, खर्चे बारे दसो किन्ना खर्चा इहदा हो जांदा है लगभग बीघे दा? पीवी नोट बनने का कम से कम 3000 रुपया बीघा, जिन्ना खेत छोटा होगा उन्ना ही खर्चा ज्यादा होगा, जिन्ना खेत ज्यादा होगा। लार्ज स्केल ते करनगे ते खर्चा थोड़ा घट जूगा। हाँ जी, हुण इत्थे 100 किलों ते खर्चा आया 2,95,000, 40 किलों तो उधर बनया तो वह आया 1,85,000। ते एक आप स्प्रे करिए जिम्मे 5वें दिन स्प्रे करिए रखिए ते आतार बनिए, दोनों च की डिफरेंस मानते हो? एक तो जिमीदार जिम्मे स्प्रे कर रहे भी आप 5वें दिन करनी, सस्ती सस्ती स्प्रे करी रखने, फिर भी खर्चा 2-2.5 हज़ार आऊगा, अटैक ज्यादा हो जाता है? अटैक तो ज्यादा होना ही होना, बाकी मेहनत बहुत है।
मैको दा बलराज 926 टाटा दा लाया करंट हो गया बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे पास हमारे साथ है जो कंपनी प्रतिनिधि पीआई से वो भी जुड़े हुए हैं दीपक जी, सब उनसे बात करते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर टेक्निकल आदमी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये मॉनिटरिंग करते हैं कंपनी की, तकनीक इनको ज़्यादा पता है और टेक्नोलॉजी के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में, हो सकता है टेक्नोलॉजी आने वाले समय में अच्छी हो, कुछ कमियां भी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं वो कामयाब हो, इनसे बात करते हैं। आप मॉनिटरिंग करते हो इसकी, डेली देखते हो, आपको कैसा लगता है? हमें सर अभी तक तो यही लग रहा है, जिस प्रकार से हम इस खेत को देख रहे हैं, बाहर वाले खेतों को देख रहे हैं, अब तक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। लगभग फसल 100 दिन की हो चुकी है और अभी अटैक जिस प्रकार से देख रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं, मोच भी देख रहे हैं ट्रेप के अंदर, तो बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर ये जो आपके पीपी नोट तार है, जहाँ नहीं बंधे हुए हैं और जहाँ बंधे हुए हैं उसमें सुंडी है, वो जहाँ नहीं बंधे वहाँ पर अटैक ज्यादा है, वहाँ पे अटैक ज्यादा है। हाँ, तो किसान भाई अब की बार पेस्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का एंड में ही पता चलेगा, किसान लास्ट में अपने आप बताएगा अपने मुंह से भी इतना मेरा नरमा जो खराब हुआ है। और खर्चे भाई यदि बात करें तो इसका खर्चा किसान जैसे 3,000-3,200 तक बता रहे थे, तो कई किसान कहते हैं इससे अच्छी तो हम स्प्रे ही कर ले, वही बढ़िया है। देखो जब किसान स्प्रे करने के लिए जाएगा, इस बार जैसे आप देख रहे हो किसान स्प्रे कर रहे हैं, 7 से 8 स्प्रे करने जा रहे हैं, 200-250 रुपये पर स्प्रे का खर्चा पड़ रहा है, उसके अलावा जो करने के लिए मेहनत है और जो लेबर का खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ज़्यादा फायदा दिखाई देगा। तो कितने दिनों बाद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हो आप? इसके अंदर सर मैं 7 से 8 दिन बाद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन बाद फिर वापस ट्रेप्स को देख रहे हैं और भी जो लोग हैं कुछ आ रहे हैं कंपनी से बाहर से, वो भी इसको देख रहे हैं। क्रॉप कितने दिनों की हो जाए तब ये टेक्निक अपने बांधते हैं पौधे के ऊपर? ये 35 से 45 दिन के बीच फ्लोरिंग जब स्टार्ट हो जाती है, फ्लोरिंग जब स्टार्ट हो जाती है उसके दौरान इसको लगाया जाता है। तो एक फेरोमोन ट्रैप किसान खेत के अंदर लगाता है 1 हेक्टर में 4 से 5, एक ये तकनीक, उसमें कितना फर्क है इसमें और इसमें? उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप एक फेरोमोन ट्रैप के अंदर देखोगे और एक इसकी तार के अंदर जो आप दवाई का असर देखोगे, उससे 60 गुना अधिक एक तार के अंदर दवाई दे रखी है फेरोमोन ट्रैप से। जी जी जी। और ये जो है इस ट्रैप जैसे हम देखें वो कैप्चर करता है मौत को, ये उसको डिस्ट्रक्ट करता है। टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आप साइंटिफिक तरीके से बताएं, काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी? काम ये सर ऐसे करती है, इसके अंदर जो हार्मोन रिलीज करती है, जो मादा मेल को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए हार्मोन रिलीज करती है, वो सेम हार्मोन ये वायर रिलीज करती है उस मादा से 300 गुना ज्यादा। और उसी प्रकार से जैसे ही वो मौत आएगा, उसको पूरे खेत के अंदर हमने लगा रखे हैं, उसके अंदर ये स्मेल रहेगी तो मौत को ज्यादा पता नहीं लगता अभी मादा कहाँ पे, और उनकी मेटिंग नहीं हो पाती है और मेटिंग प्रोसेस को ये डिस्टरबेंस करता है, मेटिंग को डिस्टरबेंस करता है, जिससे वो अंडे नहीं दे पाती है, न उसकी संख्या है वो बढ़ पाती है, अगली जनरेशन उसकी आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो किसान, कई किसान भाई कह देते हैं जब इतना महंगा बीज लिया तो फिर ये गुलाबी सुंडी क्यों, इसका क्या कारण है, किस कारण से बढ़ी है ये गुलाबी सुंडी? इसका कारण सर यही है अभी जिस प्रकार से हम देखें धीरे 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 जो टाइम आ रहा है उसके प्रति सहनशील हो गई है बीटी जीन के प्रति, बीटी के अंदर आने के कारण। अगर जिस प्रकार से हमने नॉन बीटी का बीज आया था हमारे साथ में, अगर हम साथ में रखते तो जो टेक्नोलॉजी आई थी वो हरी और चितकबरी सुंडी के लिए, इसमें Cry1AC Cry2AB जीन डाला गया था, गुलाबी सुंडी के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई जीन नहीं है किसान भाइयों, तो सुंडी इसके अंदर आ सकती है। यानी पहले जब हम नॉन बीटी बुआई करते थे सिंथेटिक दवा लगातार छिड़कते थे, उससे सुंडी कंट्रोल हो जाती थी, तो प्रकृति का ये नियम, जब हम किसी पेस्ट को प्रेशर करते हैं दूसरा कीट ऑटोमेटिक है जो ऊपर आ जाता है। तो जो विभाग ने बताया था लकड़ियों के ढेर है उनको ढककर रखें और अर्ली कॉटन की सोइंग है वो न करें, और डिस्टेंस का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जितना नरमा आपका छिद्दा होगा प्लांट की डिस्टेंस, लाइन से लाइन की दूरी 108 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर रखते हो तो नीचे एयर संचार अच्छा होता है, धूप भी अच्छी जाती है, तो वहां पर अंडे ये कम दे पाती है, तो इसकी संख्या है जो कम बढ़ती है। नई टेक्नोलॉजी है, अभी देख रहे हैं प्रैक्टिकल चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी को हमें देखना चाहिए। तो कंपनी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो राम राम किसान भाइयों, सत श्री अकाल। वीडियो आपको कैसे लगी जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी टेक्नोलॉजी खेतीबाड़ी के अंदर है यदि आती है तो हमें उसको जरूर देखना चाहिए,
कोई जरूरी नहीं है टेक्नोलॉजी कामयाब हो, लेकिन प्रैक्टिकल को हमें देखना चाहिए। हो सकता है स्प्रे के मुकाबले इससे हमें ज़्यादा फायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुँचें। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।